ये घटना काफ़ी दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी इस घटना से दुखी हैं और उन्होंने हमको निर्देश दिया कि जाकर घटना स्थल पर जो भी इसके भुक्तभोगी हैं और जो जिनके अभी इलाज चल रहे हैं उनसे भी मिलने की आवश्यकता है। घटना की एक विस्तार रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है कि आखिर क्या कमी है, क्या खामी है, क्यों इस तरह की दो तीन घटनाएं हुई हैं। तो इसमें हमने धनबाद के उपायुक्त महोदय को भी निर्देशित किया है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसके बायलॉज पर फायर नॉर्म्स को लागू किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है। एक मेजर इशू है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको लेकर भी हम लोग संवेदनशील हैं। साथ ही जो फायर इक्विपमेंट वगैरह हैं ये हम भी मानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है और इसमें एक बृहद सुधार की आवश्यकता है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग पूरे राज्य में अग्निशामक सेवा कैसे दुरुस्त हो इसके लिए बृहद स्तर पर कार्रवाई करेंगे। और चूंकि बिल्डिंगों की ऊंचाई जो है 10 से 15 तल्ले की है और हमारे पास ऐसे संसाधन की कमी है तो वो कमी को जल्द पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। और इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बगल में जो अस्पताल है हमारा, जिसने बहुत इसमें मदद किया है। हमने पाटलिपुत्र नर्सिंग अस्पताल के जो भी हमारे ढोलिया साहब हैं उनको भी प्रशासन के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जो ऐसी विकट परिस्थिति में जिन्होंने साथ दिया है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही जो भी मृतक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और जो भी मृतक हैं उन लोगों को तत्काल 4 लाख रुपया उनको राहत के रूप में, उनको सहायता के रूप में उनके परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में ये घटनाएं नहीं हो ये बहुत ज़रूरी है और जो भी इलाजरत लोग हैं उन इलाजरत लोगों को भी कैसे बेहतर से बेहतर यदि इलाज कराना है और ज़रूरत पड़ी यदि कोई भी ऐसा, अभी तक ऐसी नहीं है कोई सूचना कि कोई बहुत डेंजरस जोन में है, लेकिन यदि चूंकि इसमें होता है कि कभी कभी सीने के अंदर जो है कार्बन चला जाता है और यदि ज़रूरत पड़ेगी किसी को बाहर ले जाने के लिए तो हम लोग जो है बाहर ले जाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी दुखी हैं, मैं भी काफ़ी दुखी हूँ चूँकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, काफ़ी मैं भी दुखी हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति हो और उनके परिवार के लोगों को इस विपरीत परिस्थिति में धैर्य दे और भविष्य में ये घटनाएं नहीं हों, इसके लिए हमने जो है उपायुक्त और संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश किया है कि सारी चीज़ों का बहुत सा अभी पार्किंग का समस्या है, जो पार्किंग है जितने लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं लेकिन उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है पार्किंग का, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि जो जिन लोगों ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है आप त्वरित उस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई छोटे लोगों से कार्रवाई चालू नहीं हो। कार्रवाई का नतीजा होता है कि छोटे लोग कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। हमने कहा है बड़े लोगों से कार्रवाई चालू कीजिए ताकि दृष्टांत पेश हो और जब तक देखिए नीचे बड़ी बिल्डिंगों में पार्किंग की व्यवस्था जो बायलॉज में है जब तक नहीं होगी तब तक जो है ये जो अभी भाई साहब कुछ कह रहे थे कि ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक को कई तरीके से हमको लेने की ज़रूरत है। एक तो बिल्डिंग के जो ये है पार्किंग उसका भी इस्तेमाल, दूसरा हम लोगों ने जो कुछ हम लोगों को ट्रैफिक असेसमेंट हुआ है उस हिसाब से जो निर्देश आए हैं उनके अनुरूप भी कुछ काम करेंगे। चूँकि आग लगी है और आग लगने के बाद जो कॉलम वगैरह हैं उस कॉलम का जो अभी जो उसका लोड कैपेसिटी है उस पर भी एक जो है
कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से और जो भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह हैं, इन लोगों की कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि जो स्ट्रेंथ है उस बिल्डिंग का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आग लगने के बाद वो स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर हो गया, कल को बिल्डिंग धस धुस जाए, तो इस पर भी हमने जांच का निर्देश दिया है। और जो बिल्डर हैं, बिल्डर का भी जांच होगा। देखिए, सारी चीज़ों का जब हम लोग आए हैं, और ये सरकार संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है और तुरंत जो है रांची से लेकर धनबाद तक को निर्देश दिया गया है, और मैं खुद जब यहाँ आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तत्काल दोषी निर्दोषी की बात बाद में करेंगे, अभी तत्काल जो कैजुअलिटी हुई है और जो लोग अभी इलाजरत हैं वो सारी चीज़ों का कैसे करके बढ़िया तरीके से समाधान हो जाए, इस पर हम काम करें।